Hello friends, मेरा नाम अवनी अग्रवाल है एंड आई एम पार्ट ऑफ इंप एक्सपर्ट. इंप एक्सपर्ट इज इंस्टीट्यूट जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट की ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करता है और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू हम पार्टिसिपेंट्स को इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस टीच करते हैं. सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज कनेक्ट विद अस. अगर आप डोमेस्टिक में बिजनेस कर रहे हो एंड यू हैव डाउट कि एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बिजनेस कैसे शुरुआत करनी है, कौन सी प्रोसीजर रहेगी, कौन सी प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है, आपके ये सब डाउट सॉल्व करने के लिए आप हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम में जुड़ सकते हो. आज के वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ गवर्नमेंट इंसेंटिव्स के बारे में. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया काफ़ी सारे एक्सपोर्ट प्रमोशन स्कीम के बेनिफिट्स एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करती है. हमारा जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वी वर ऑल एक्सपेक्टिंग के 31 मार्च 2020 के बाद नया फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस आएंगे और जो एग्जिस्टिंग ट्रेड पॉलिसीज है वो रिवाइज होके नए पॉलिसी इंट्रोड्यूस होंगे. बट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी एक और साल एक्सटेंड हुआ है. सो हियर इज गुड न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस. बिकॉज ऑफ एक्सटेंशन काफी सारे स्कीम जो एक्सपायर हो जाने वाले थे बाय 31 मार्च 2020, वो स्कीम्स अभी भी वैलिड है. सो इन माई टूडेज वीडियो आई विल टॉक अबाउट ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग असिस्टेंस, जिसको TMA बोला जाता है. वॉट इज TMA, TMA के लिए कौन कौन एलिजिबल है, TMA में क्या इंसेंटिव्स मिलेंगे, TMA में कौन कौन से कंट्रीज में एक्सपोर्ट करोगे तो फायदा होगा और कौन सी प्रोडक्ट TMA में एलिजिबल नहीं है, उसके बारे में मैं आज के वीडियो में आपके साथ बात करूंगी. सो आई हैव मेड वन स्मॉल प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन के थ्रू मैं ये TMA का पूरा अंडरस्टैंडिंग आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी. प्लस एट द एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, वो लिंक के थ्रू आप ऑनलाइन TMA ले सकते हो. सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रेजेंटेशन. सो व्हाट इज TMA? यहाँ पे मेन पर्पस यही है, ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग असिस्टेंस का बेनिफिट गवर्नमेंट को इसलिए प्रोवाइड करना है क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस इंडिया से ज्यादा एक्सपोर्ट हो पाए. काफी सारे पेरिशेबल गुड्स जब इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं उस टाइम पे रीफर कंटेनर्स यूज किए जाते हैं और वो रीफर कंटेनर्स का टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को स्टोर किया जाता है. नाउ दिस रीफर कंटेनर्स आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव कंपेयर टू ड्राई कंटेनर. तो लिटिल जो रीफर कंटेनर्स होते हैं उसका जो फ्रेट चार्जेस होता है वो हायर होता है अगर अपने ड्राई कंटेनर्स के साथ कंपेयर करते हैं. तो गवर्नमेंट का कोशिश यही है कि जब आप कोई रीफर कंटेनर के थ्रू या ऐसी कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो या एग्रीकल्चर प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो तो गवर्नमेंट इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर रही है एज इन कैश. यहाँ पे ओवर हियर जो भी कॉस्ट का प्रॉब्लम है, फ्रेट कॉस्ट और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वो एक्सपेंसिव है कुछ कंट्रीज के लिए, तो वो कंट्रीज के लिए गवर्नमेंट ने ये बेनिफिट प्रोवाइड किया. पैटर्न ऑफ असिस्टेंस की अगर बात करते हैं तो इट इज फिक्स्ड अमाउंट पर 20 फीटर कंटेनर. और अगर आप 40 फीटर कंटेनर एक्सपोर्ट करते हो तो 40 फीटर कंटेनर में आपके 2 यूनिट्स कंसिडर किए जाएंगे. सो अकॉर्डिंग टू न्यू नोटिफिकेशन, अगर आप बाय एयर एक्सपोर्ट करते हो तो पर केजी के बेसिस पे आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड किया जाएगा इंस्टेड ऑफ पर टन. नाउ हु इज एलिजिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग असिस्टेंस? एनी एक्सपोर्टर्स हु हैव एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का मेंबरशिप, दैट मींस कोई भी एक्सपोर्टर जिसके पास RCMC है अकॉर्डिंग टू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2020 जो एक्सटेंड हुआ है टिल 2021, कोई भी एक्सपोर्टर जिसके पास EPC का मेंबरशिप है, दे ऑल आर एलिजिबल फॉर दिस TMA. बट प्रोडक्ट भी आपको एक बार वेरीफाई करनी पड़ेगी. TMA स्कीम एम्स टू गिव यू रीएम्बर्समेंट पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ पे जो आपने बाय सी और एयर ट्रांसपोर्टेशन के लिए पे किया है, उसकी पार्ट अमाउंट आपको रिटर्न दी जाएगी. दिस स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस्ड on 1st April 2019 and it was about to expire on 31st March 2020. But as we have discussed, this scheme is still valid till 31st March 2021. Now, here are a list of the products which are not part of TMA. So I request all of you, please go through each and every HSN, total jo chapters hai HSN ke,
टोटल चैप्टर नंबर 1 to 24 में सब प्रोडक्ट्स एलिजिबल है. ओनली दिस प्रोडक्ट्स आउट ऑफ चैप्टर 1 to 24 लाइक लाइव एनिमल्स, मीट प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क एंड क्रीम प्रोडक्ट, बटर मिल्क, योगर्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट्स, वे प्रोडक्ट, वे पाउडर आर नॉट पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग असिस्टेंस. सो प्लीज चेक इट आउट, आपकी प्रोडक्ट इसमें से कोई कैटेगरी में नहीं है, देन योर प्रोडक्ट्स आर एलिजिबल फॉर TMA. सो प्लीज गो थ्रू दिस PDF इन डिटेल टू चेक इट आउट whether your HSN is involved in TMA or not. These are list of the countries, region wise, कौन कौन सी कंट्री में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको TMA मिल सकता है. सो वेस्टर्न अफ्रीका के दिस आर ऑल द कंट्रीज इन वेस्टर्न अफ्रीका, देन ईस्ट अफ्रीका, यूरोपियन यूनियन के ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज आर कवर्ड ओवर हियर, गल्फ में बहरीन, ईरान, इराक, जॉर्डन, कुवैत, ओमान, ये सब कंट्रीज में भी एलिजिबिलिटी है. एशियन कंट्रीज में, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज में भी अगर आप एक्सपोर्ट करते हो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 to 24 तो आपकी प्रोडक्ट के लिए TMA एलिजिबल है. फार ईस्ट कंट्रीज में, ओशियाना कंट्रीज में, चाइना में एक्सपोर्ट करते हो और साउथ अमेरिका में अगर आप एक्सपोर्ट करते हो तो यू ऑल आर एलिजिबल टू गेट ट्रांसपोर्टेशन मार्केटिंग असिस्टेंस. नाउ दिस इज अमाउंट, हाउ मच अमाउंट यू विल रिसीव एज इन कैश इन योर अकाउंट अगर आप TMA के लिए एलिजिबल हो रीजियन वाइज. सो इफ यू आर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्री इन वेस्टर्न अफ्रीका, 20 फीटर कंटेनर अगर आप एक्सपोर्ट करते हो नॉर्मल, यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम दिया है ये कॉलम ड्राई कंटेनर 20 फीटर FCL के लिए है. अगेन जस्ट रिमेम्बर दिस फैसिलिटी इज ओनली अवेलेबल फॉर फुल कंटेनर लोड फॉर स्पेसिफिक HSN ओनली. आप ये HSN के साथ और कोई प्रोडक्ट को मिक्स नहीं कर सकते अगर आपको TMA लेना है तो. सो फॉर वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज 11,200 रुपीज आपको एज एन इंसेंटिव गवर्नमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट करेगी. और अगर आप 20 फीटर रीफिल कंटेनर यूज कर रहे हो तो आपको 19,600 रुपीज आपके अकाउंट में गवर्नमेंट रिफंड देगी. Following all the countries, यहाँ पे each and every region wise, how much money you will receive in your account. North America के countries India से काफी दूर है, इसलिए वो countries के ocean freight is little bit expensive compared to countries जो India से नजदीक है. तो जो Northern American के countries है उसमें आपको incentives ज्यादा मिल रहा है compared to countries जो India के neighboring countries है. So you can see the differences. So these two columns are for dry container and reefer container. Last column is specifically for transportation by air. यहाँ पे transportation by air अगर आप export कर रहे हो तो per kg Western African countries के लिए आपको 0.84 rupees का refund government आपको देगी. तो मान लो आपने export किया है 10 kg, then 10 kg multiplied by 0.84 is the rupees जो आपके account में government refund देगी. So this is a clear-cut database per 20-footer container, reefer container and by air container. Now list of the documents जो आपको prepare करने हैं to get TMA. First is IEC, then RCMC. अगर आपके पास EPC का membership है, then you must have RCMC. RCMC आपका valid होना चाहिए, then shipping bill का copy, बैंक रियलाइजेशन सर्टिफिकेट, EBRC कॉपी, कॉमर्शियल इनवॉइस, बिल ऑफ लेडिंग अगर बाय सी एक्सपोर्ट किया है तो, अगर बाय एयर एक्सपोर्ट किया है देन एयरवे बिल नंबर, TMA एप्लीकेशन का पार्ट ए एंड पार्ट बी, एंड देन यू शुड हैव द कॉस्ट एंड वर्क अकाउंट जो आपके कंपनी के जो चार्टर्ड अकाउंट्स है उनसे सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा, एंड देन pre-receive. So these are list of documents जो आपको prepare करने हैं अगर आपको TMA चाहिए तो. TMA का filing आपको quarterly basis पे करना रहेगा. तो मान लो एक quarter में आपका जितना भी export हुआ है उसका total combine आप TMA एक साथ file कर सकते हो. And this is a link through which आप online भी
टीए में फाइल कर सकते हो। ये लिंक पे डीजीएफटी की वेबसाइट पे उन्होंने पूरा यूजर मैनुअल भी प्रोवाइड किया है, 21 पेज का ये यूजर मैनुअल है जिसमें स्टेप बाय स्टेप दे हैव गिवन डिटेल इंफॉर्मेशन आपको टीएमए के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। वंस यू हैव ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी, ये 10 डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी हो जाएंगे, उसके बाद आप ये लिंक पे जाके यूजर मैनुअल डाउनलोड करके टीएमए ऑनलाइन ले सकते हो। So I hope you all have detailed information of TMA till 2021 March tak ye scheme available hai. So please rush, please just check it out whether your products are eligible for this scheme or not and get the benefit from the government. Thank you all of you. Please aapko koi bhi topic pe video banane hai, इंफॉर्मेटिव वीडियो चाहिए, स्टेटिस्टिकल डेटा के बारे में वीडियो चाहिए, तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर से लिखना। हमारी एक्सपर्ट टीम डेटाबेस कलेक्ट करने के बाद प्रॉपर डेटाबेस के थ्रू आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगी। थैंक यू।